हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कृपया करके शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो कर ही लें, उस लाइक कर दीजिए ये वीडियो पर। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर आज हम 11। बनाएंगे चैप्टर नंबर 11 का एग्जांपल 1, जो है 11.2 के ऊपर, इसके जैसा है 4 वाला। तो हम एग्जांपल नंबर 1 सीखेंगे, ये 4 नंबर आप खुद करना। चलो आप सिखाते हैं ये वाइट पेज पे, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। ये बी वाला है 60 और सी ए वाला है 45। ए बी प्लस बी सी, सी ए 11, ये सब 11 सेंटीमीटर के हैं। तो हम सेंटीमीटर 11 रख लेते हैं। अब हम इस पे ऊपर खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यार मैं खींच रहा हूँ लाइन, 11 सेंटीमीटर खींच दी हमने। यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। अब हम 2 सेंटीमीटर का इसका माप ले लेते हैं इसके स्केल से। ये ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर का। अब हम खींचेंगे एम एस पेयर जो 2 सेंटीमीटर के हैं। ये हमने खींच दी। हमें यही नाप से इधर जहाँ पर से अपनी शुरुआत की थी, वहाँ से 60 डिग्री का हम एंगल खींचेंगे। 60 डिग्री 0 से ही बन जाती है। ये मेरा ढीला हो गया थोड़ा, मैं टाइट कर लिया। अब मैं 60 डिग्री का एक बार नाप के देख लूँ। 60 वो 20 सेंटीमीटर गई है ना। हाँ, अब हम इसे 60 डिग्री से लाइन खींच देंगे। हमें इस साइड 90 के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खींचती आप जितनी चाहे उतनी खींच सकते हैं। हमें इधर भी एम स्क्वायर बनाना पड़ेगा उसी की तरह। हमें लेफ्ट साइड 60 का बनाना था और राइट साइड 45 का बनाना है। तो फिर